नमस्कार, मैं R.S.Sikkarwar और YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है ना कि 7 मार्च को ना CBSE बोर्ड के द्वारा मैथ्स का पेपर कराया गया, उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार कि विच टर्म ऑफ द AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस -4, -1, and -2... इज 101। देख लेते हैं ना इस सीरीज के अंदर a इक्वल टू -4 होगा एंड an मतलब कि l मतलब कि जो हमारा l होगा ना 101 होने वाला है और d यू नो वेरी वेल अबाउट दैट a2 - a1 होता है -1, -1, -4 मीन्स -1 + 4 = 3। जो d की वैल्यू है वो 3 आने वाली है। अब हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो यू नो a+n - 1 × d, ये आपका फॉर्मूला है, बड़े अच्छे तरीके से आता होगा आपको। ए एन की वैल्यू दे रखी है 101 एंड ए की -4 प्लस एन हमें फाइंड करना है d3। जब इसको इधर भेजने वाले हैं ना तो 105 होने वाला है n - 1 × 3। 3 से जब डिवाइड करेंगे 35 टाइम्स जाएगा n - 1 एंड जब 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे देन यू विल गेट 36। तो आपकी n की वैल्यू थी ना वो 36 हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। चलिए ओके, चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा ना इवेल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 2 था कि 10, 65 एंड cot 25, इसकी वैल्यू बतानी थी। वेरी सिंपल, देख के पता चल रहा है इसका आंसर तो 1 आने वाला है। चलो देख लेते हैं एक बार। करना क्या है इसमें, करना है हम लोगों को कि 10, 65, अब मैं इसको चेंज करूँ ना तो cot 90 - 65 अगर इसको लिखता हूँ ना तो चलेगा, क्योंकि 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं 90 - 65। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट cos 90 - θ = cot 10θ, ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया गया था। देन 10, 65 एंड देर इज 10, 65 मतलब कि वही 1 जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें और में दे रखा है, ये करना है वो दूसरा करना है। क्वेश्चन क्या पढ़ देता हूँ एक बार आपके सामने। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 और 45। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 और 45 के बीच में वो एंगल होना चाहिए जो कि हमें दिया है, ये और करके है क्वेश्चन, राइट। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान देना जरा जल्दी से। इसमें दिया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75। मेरे बच्चे ध्यान दो, ये 0 और 45 के बीच में नहीं है, जबकि हमें इन्हीं साइन और कॉस के टर्म में ना रेशियो में, ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो में ना 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 - 23, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 - 15 लिख सकता हूँ ना, देखिए अब कितना आ रहा है इसको। देन इसको करने के बाद ना हमें क्या पता चलेगा कि 90 से ना 23 माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, देर इज 7 एंड देर इज 6, मतलब कि वही ये मिल रहा है हमको। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो साइन 90 - θ = cos θ होता है और cos 90 - θ = sin θ होता है। वेरी सिंपल, साइन सेम रहते हैं, प्लस इसी प्रकार अब इसको देखेंगे ना तो साइन 23 प्लस ये हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा आपका साइन 15। क्लियर, अगर इसको 15 देखेंगे तो वेरी सिंपल, देख लीजिए ज़रा एक बार। अगर मैं 19 से 15 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 5 और यहाँ 7, मतलब कि वही हमारा 75 निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से ना इसमें बोला गया है कि ये एंगल ना 0 और 45 के बीच में दोनों, यही बोला गया था और ये हमने कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हैज़ टू इक्वल रूट्स। ध्यान दें जरा, क्वेश्चन ने कहा है, तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमारे पास ना एक इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, लगता है आपको कहीं से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? अगर के एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करूँ ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का टू के एक्स हो जाएगा प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। अब पता चल रहा है एक्स स्क्वायर की टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, एक इसमें बात बोली गई है कि टू इक्वल रूट्स, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ध्यान दें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे ना कंपेयर करेंगे इसकी, देन ए की वैल्यू आने वाली है हमारी के, बी की वैल्यू आने वाली है टू के एंड सी की वैल्यू सिक्स। देन इसमें वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्वायर क्या कहता है हमारा, माइनस टू के स्क्वायर माइनस फोर ए हमारा के है एंड बी हमारा सिक्स इक्वल टू जीरो। देन फोर के स्क्वायर माइनस का फोर इंटू सिक्स इंटू के इक्वल टू जीरो, ये मैंने सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, ध्यान दें मेरे बच्चे, फोर के कॉमन आ रहा है, देर इज़ अ के माइनस सिक्स, सिक्स यहाँ से बच गया और फोर और के कॉमन आ गया, मतलब कि जीरो। किसी भी फैक्टर को ना जीरो के बराबर रखते ही हमारा रूल है, देन तो फोर के इक्वल टू जीरो देन के इक्वल टू जीरो, नाउ के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो देन के इक्वल टू सिक्स। इसके टू फैक्टर आए हैं, क्यों टू फैक्टर ही आने थे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आते हैं और लीनियर का वन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके इसके और में दे रखा है एक क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ वाला है, देख लीजिए, फोर्थ वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन दे रखा है इसमें कि टू टू द पावर टू इंटू फाइव टू द पावर थ्री एंड थ्री टू द पावर टू इंटू सेवनटीन। अब इसमें बोला गया है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज, कुछ नहीं करना, सिर्फ जीरोज बता देने आपको, जीरोज नहीं, जीरोज। फॉर एग्जाम्पल दैट मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें कितने जीरो बनेंगे, वेरी सिंपल, टू की पावर जितनी होती है और फाइव की पावर जितनी हो, मिनिमम पावर लेकर के ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट आंसर। बता दूँ इसमें टू जीरो होने वाली है, टू जीरोस। कैसे? चलो इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक टू है, यहाँ पे एक फाइव है, दिस वन अगेन टू है, एक और फाइव है, एक और फाइव तो है लेकिन आगे टू नहीं है, मतलब कि इसका जीरो और इसका जीरो, इसका मल्टीप्लाई करूँगा देन हंड्रेड, मतलब कि दो जीरो आ गए, यही पूछा है और यही बता देना हमें कि इसके अंदर टू जीरो हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, दिख रहा है ना सबको? चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फाइव है और इसमें दे रखा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि कोई ए पॉइंट है एंड कोई बी पॉइंट है और इसमें ना डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसका दे रखा है ए एंड बी एंड इसका दे रखा है माइनस ए एंड माइनस बी। मेरे बच्चे, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, वेरी सिंपल। कैसे? दिस वन इज एक्स वन एंड वाई वन, एक्स टू एंड वाई टू, चलिए कंपेयर हमने कर लिया, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो डी मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू रूट एक्स टू हमारा माइनस ए है, माइनस लगाते हैं, एक्स वन हमारा ए है, दिस वन स्क्वायर एज वेल एज माइनस बी स्क्वायर। डी इक्वल टू, अगर मैं रूट की बात करूँ तो टू ए का स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का स्क्वायर, अगेन मैं बात करूं दिस इज द फोर ए स्क्वायर एंड फोर बी स्क्वायर। मेरे बच्चे, फोर कॉमन भी ले सकते हो, रूट से बाहर निकाल लेंगे, देन यू विल गेट आंसर दिस वन। चलिए डिस्टेंस ही निकालना था, वो इजी तरीके से निकल आया। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, चलें ओके।